Hello students, good morning to all of you. Today I am telling you the more topics of HTML and their working. So let's start. Designing form. Form design करना, जैसा आपने बहुत सी जगह पर देखा होगा कि एक पहले से predefined format में जो paper होता है उसे हम form कहते हैं. जैसे आप account खोलने के लिए bank में जाते हैं तो वहाँ पे एक form आता है. Admissions के लिए school में जाते हैं तो वहाँ पे एक form आता है. रिजर्वेशन काउंटर पे रिजर्व टिकट अपना रिजर्व करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्म होता है. ये सब क्या कहलाते हैं? प्री डिफाइंड फॉर्म. ऐसे ही इंटरनेट पे भी फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिलअप करने पड़ते हैं. जैसे आप ईमेल एड्रेस बनाते हो तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, बटन्स होते हैं. ये फॉर्म डिज़ाइनिंग के लिए बनाए गए होते हैं. तो फॉर्म में कुछ एंट्रीज होती हैं, कुछ एम्प्टी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है, और वो कंप्लीट होने के बाद एक फीडबैक आपको और कंपनी को मिल जाता है कि ये फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप हुआ या नहीं हुआ. फॉर्म को भरने के लिए या फॉर्म यूज़ करने के लिए आपको फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ता है. इनपुट टैग्स जो उसके अंदर एंट्रीज करते हैं उसमें इनपुट टैग्स को हम यूज़ करते हैं. यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जैसे पासवर्ड एंड टेक्स्ट फील्ड्स. जैसा मैंने अभी पहले बोला कि अगर आप ईमेल एड्रेस बनाते हो तो वहाँ पे कुछ पासवर्ड आता है. पासवर्ड ऐसा टेक्स्ट जो आपके पास रिजर्व रहता है और चाहे तो आप उसे बदल सकते हैं आफ्टर फॉर्म मेकिंग. सो अब यहाँ पे फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है और कैसा दिखता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये कुछ फॉर्म का एक फॉर्मेट है और ये उसका HTML फॉर्म है. यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा HTML फॉर्म जिसमें कि 4 आपके एट्रीब्यूट्स हैं और उसके अंदर कुछ फिलिंग कंडीशंस हैं. तो HTML बॉडी और से आप फेमिलियर हैं ही हैं. फॉर्म यहाँ पर बॉडी के अंदर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो टेक्स्ट मैटर पे यूज़ की करने वाला कंटेंट है. तो आपको वेब पेज के वाइट पोर्शन में लिखना होता है जो कि बॉडी का पोर्शन है. फर्स्ट नेम यहाँ पर होगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम है ये देखिए आप. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इनपुट टाइप होगा, मतलब वहाँ पे आप नंबर नहीं भर सकते, टेक्स्ट यूज़ करेंगे और नंबर भी टेक्स्ट की तरह से यूज़ हो. नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड यूज़र आईडी, देन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें इनपुट कराई गई हैं और फिर फॉर्म को क्लोज कर दिया गया. तो यहाँ फॉर्म में 4 कैटेगरीज हैं. ऐसे ही आप इससे ज़्यादा कैटेगरीज भी यूज़ कर सकते हैं. टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया कौन सा होता है? जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वाइट पोर्शंस एरिया में से कुछ पोर्शंस इन्होंने टेक्स्ट के लिए रखा है और ये टेक्स्ट एरिया का कुछ साइज इन्होंने दिया हुआ है, रो 10 कॉलम्स 30 और चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन. तो ये एक बॉक्स टाइप का बन गया है जिसके अंदर रिटन मैटर है और ये उसी पोर्शंस के अंदर लिखेगा. मतलब अब ये लिखने वाला पोर्शन जैसे गार्डन का पोर्शंस ये यहाँ पे ही इसके आगे इस तरफ नहीं लिखेगा, जहाँ तक बॉक्स बनाया गया है उस बॉक्स के अंदर एरिया के अंदर ही ये टाइपिंग वाला पोर्शंस वर्क करेगा. टेक्स्ट एरिया डिज़ाइन किया जा सकता है. चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस वो बॉक्सेस होते हैं जो आपकी प्रीडिफाइंड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स होते हैं. आपको उसमें से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना होता है और ये कहलाता है चेक बॉक्सेस. चेक बॉक्सेस के थ्रू आपके पास आंसर्स होते हैं और उनमें से कोई एक आंसर आपको पिक करना होता है, या कभी कभी एक से ज़्यादा आंसर्स भी आप पिक कर सकते हो. बटन्स में एक ही आंसर्स पिक करते हो लेकिन चेक बॉक्सेस में हम एक से ज़्यादा पिक कर सकते हैं. तो चेक बॉक्सेस उस जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल चॉइस में एक से ज़्यादा चॉइस हो और आप उसे यूज़ भी कर पाओ. रेडियो बटन्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, रेडियो बटन्स जो होते हैं वो एक राउंड बटन्स के अंदर एक डॉट
आपको फिलअप करनी होती है। मतलब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये रेडियो बटन ऑन हो जाएगा, और एप्लीकेशंस जहाँ पर उसे रखा गया है, जो भी उसकी क्वेरीज है उसे वो फिलअप करेगा। जैसे यहाँ पर आई एम मेल, आई एम फीमेल, तो आप इसमें से केवल एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस नहीं चूज कर सकते हैं। ये रेडियो बटन है जो सर्कल कलर, सर्कल से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सर्कल से दो क्वेश्चंस ये है रेडियो बटन, इनमें से किसी एक पर आप टिक करेंगे तो वो सर्कल फिलअप हो जाएगा, उसके बीच में एक डार्क क्वेश्चन आ जाएगा और ये रेडियो बटन एक्टिवेट हो जाएगा। सेलेक्ट टैग, तो टैग्स आपको मालूम ही है जो आप नॉर्मली यूज़ करते भी चले आ रहे हैं। तो सेलेक्ट टैग्स में हम एक से ज़्यादा अगर मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं ऑप्शंस में, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फोर मेन्यूज़ को इन्होंने ड्रॉप डाउन के पोर्शन में यूज़ किया है, तो सेलेक्ट नेम, ऑप्शन वैल्यू कार, ऑप्शन वैल्यू ट्रक, ऑप्शन वैल्यू बस, और सेलेक्ट नेम में जो आपका है व्हीकल के लिए, और उसमें ये चार चीज़ें यहाँ पे लिखाई गई हैं। कार बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, ट्रक और बस में से कोई आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी जैसे इससे पहले मैंने बोला था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था, चेक बॉक्सेस वाले थे, तो ये तीन तरीके की चीज़ आती हैं, एक सेलेक्ट टैग, वन इज़ बटन एंड थर्ड वन इज़ चेक बॉक्सेस। इनके थ्रू हम सेलेक्शंस करते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, पहले से हम डिज़ाइन कर लेते हैं मेन्यू की फॉर्म में उसे हम करें वर्क, या फिर वो हम एग्जीक्यूशन की फॉर्म में सिंगल कमांड या एक से ज़्यादा कमांड। ये है हमारा आज का वर्क, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सो कोशिश करिएगा इनकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये बेसिकली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है, खासकर HTML। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।